enter Bollywood? Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. इस बार बिग बॉस हाउस ही नया नहीं है बल्कि इस बार के कंटेस्टेंट्स भी होंगे कुछ खास। एक तरफ हॉट एंड सेक्सी शेरिलिन चोपड़ा के बिग बॉस हाउस में ग्लैमर का तड़का लगाने की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना भी हो सकते हैं बिग बॉस हाउसमेट। फितरत, दैट्स द नेम ऑफ द गेम, नो टू पीपल। लौट आया है बिग बॉस, कोई मीठा है तो कोई मिर्ची, और इस बार बिग बॉस का अंदाज होगा सबसे अलग और थोड़ा हटके। सबसे पहले हुए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की धमाकेदार एंट्री, जो संभालेंगे शो की कमान। बिग बॉस के इस रंगमंच पर हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस साल बिग बॉस पर मिलेंगे हम और आप। लेकिन जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन बना हुआ है वो है बिग बॉस के घर में रहने वाले कॉन्टेस्टेंट। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन होंगे वो कॉन्टेस्टेंट जो इस बार बिग बॉस के इस घर अपनी मौजूदगी से शो की टीआरपी को बढ़ाएंगे, हमारा मतलब शो को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं वो नाम जिनके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि आप इन सेलिब्रिटीज को बिग बॉस के घर में देखेंगे। जी हाँ, ऐसे सुनने में आ रहा है कि शेरिलिन चोपड़ा बिग बॉस की सबसे हॉट एंड फेवरेट कॉन्टेस्टेंट हो सकती हैं, जो बिग बॉस के घर में ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि शो में ग्लैमर का तड़का लगाती हुई नजर आ सकती हैं। वैसे शेरिलिन के बिग बॉस सीजन 2 में भी शामिल होने की खबरें आई हैं, लेकिन शेरिलिन की बाथरूम में कैमरे लगाने की डिमांड को सुनने के बाद ऑर्गेनाइजर्स हैरान रह गए थे। जरा सोचिए, अगर शेरिलिन इस बार बिग बॉस के घर में शामिल होती हैं तो आलम क्या होगा। दूसरा नाम है यस्टरडे सुपरस्टार, अरे हाँ रे, राजेश खन्ना का। सुना है काका को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है। सोचिए, एक तरफ काका तो दूसरी तरफ शेरिलिन चोपड़ा, होगा ना इंटरेस्टिंग नजारा। एक तरफ अपने वक्त के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना, तो दूसरी तरफ आज की हॉट एंड हैपनिंग आइटम गर्ल शेरिलिन चोपड़ा। फिर क्या काका हिस्सा बनेंगे इस रियलिटी शो का। तीसरा नाम हो सकता है विंदु सिंह का। ये जनाब है मशहूर एक्टर दारा सिंह के बेटे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने भी अपना जोर लगाया है कि विंदु बिग बॉस के घर में शामिल हो। विंदु अक्षय के साथ फिल्म कम्बख्तिश में काम कर चुके हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो कामयाबी विंदु को इनके फिल्मी करियर के दौरान नहीं मिली, इस शो के जरिए मिल जाए। पॉलिटिकल लीडर वरुण गांधी, राम सेना चीफ प्रमोद मथलिक, बाबा रामदेव, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये चेहरे शो में शामिल होते हैं तो शो में आप काफी हंगामा और काफी ड्रामेबाजी देख पाएंगे। शायद इनके ऑन स्क्रीन इमेज के रहते, जहां अक्सर ये अपने काम के कारण सुर्खियां बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी फिल्म देशद्रोही के दौरान अपनी फिल्म की कहानी को लेकर चर्चा में रहे कमाल आर खान और एवरग्रीन एक्ट्रेस पूनम धिलौन का नाम भी सामने आ रहा है, जो शो में फन एलिमेंट्स की कमी को पूरा करते नजर आ सकते हैं। वहीं जर्मन ब्यूटी क्लॉडिया सीजला को भी अप्रोच किया गया है बिग बॉस शो के लिए। क्लॉडिया वही हैं जिनका नाम सलमान खान की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। अरे भाई, उन दोनों की लिंकअप की खबरें जो आती रही हैं। पिछले सीजन में एहसान कुरैशी ने शो में कॉमेडी का तड़का लगाया। इस साल राजू श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, यानी इस बार बिग बॉस में आप ड्रामा, मस्ती और कॉमेडी का मजा भी ले पाएंगे। वेल, नाम तो सारे इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अब कौन शो की टीआरपी को बढ़ाने या कहें खुद को चमकाने में कामयाब होगा, ये तो आहिस्ता आहिस्ता शो की शुरुआत के बाद ही तय होगा। सलमा खान, जूम, मुंबई।